मैं आपको देश के हेल्थ सेक्टर का उदाहरण दूंगा। हम हेल्थ सेक्टर को मल्टी सेक्टोरल तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें चार पिलर्स पर ध्यान दे रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन, मिशन मोड इंटरवेंशन। हमने इन चारों विषयों पर एक साथ फोकस किया है। देश में हेल्थ केयर के लिए सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ साइलोस बनते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। हमारा प्रयास रहा है नो साइलोस ओनली सॉल्यूशंस। जनता जनार्दन से जुड़े इस अभियान में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ इन विषयों से जुड़े अन्य मंत्रालयों को, स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी हमने एक साथ जोड़ा है। इस तरह से हमने सबको साथ मिलाकर निर्धारित गोल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अगर मैं पहले पिलर यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करूं तो ये सबसे सस्ता भी और सबसे आसान भी। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है और इसी पर बल देते हुए हमने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एक्टिवेट किया। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक पूरे भारत में 6.5 करोड़ शौचालय थे, यानी 1947 से 2014 तक, लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय है, यानी दो गुनी बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38% से बढ़कर करीब करीब 80% हो चुकी है। ये बढ़ोतरी भी दो गुना से ज्यादा है। और अब 1981 में आप देखिए ये 1% था, आज वो 78 पहुंचा है और 2014 तक ये 39 था। काम का स्केल और रफ्तार इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। स्वच्छता अभियान के साथ ये संदेश भी घर घर पहुंचा है कि गंदगी अपने साथ बीमारियों को लेकर आती है जबकि स्वच्छता रोगों को दूर भगाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय के एक्टिवेट होने की वजह से योग आज दुनिया भर में एक मास मूवमेंट बन रहा है। इस बजट में हम वेलनेस सेंटर लेकर आए हैं। सरकार का प्रयास देश की हर बड़ी पंचायत में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर हमने विशेष जोर दिया है। हमारी सरकार आने से पहले देश में टीकाकरण का वृद्धि दर सिर्फ 1% थी जो आज बढ़कर 6.7% हो चुकी है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ ही हेल्थ केयर का एफोर्डेबल होना भी जरूरी है। हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल भी हो, जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को एक्टिवेट किया जो इस दिशा में काम कर रही है। देश भर में 3000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। हृदय रोगियों को
स्टैंड कम कीमत पर मिले इसके लिए हमने उपभोक्ता मंत्रालय को एक्टिवेट किया और उसने इस पर विशेष पहल की, जिसका परिणाम है कि आज हार्ट स्टैंड की कीमत 85% तक कम हो गई है। जो पहले 1 रुपए में था, आज 15 पैसे हो गया है। इसके साथ ही नी इम्प्लांट्स की कीमतों को भी नियंत्रित किया जा गया है, जिसमें इसके दाम में 50-70% तक की गिरावट आई है। इस बजट में हमने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है और वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से देश के गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इलाज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता तो 1 साल में 5 लाख रुपए का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के उसको भुगतान करेगी। साथियों, हेल्थ सेक्टर का तीसरा बड़ा पिलर है सप्लाई साइड इंटरवेंशन। स्वास्थ्य के साथ जो आवश्यकताएं जुड़ी हैं, उसे भी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में और खासतौर पर गांवों में डॉक्टर्स की कमी महसूस की जाती है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने मेडिकल सीटें बढ़ाई है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल में 52,000 अंडर ग्रेजुएट और 30,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें थी। अब देश में 85,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट और 46,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हो गई है। इसके अलावा देश भर में नए एम्स और आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा हर 3 संसदीय सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी आगे बढ़ रही है। इन प्रयासों का सीधा लाभ हमारे युवाओं के साथ ही देश की गरीब जनता को भी मिलेगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ेंगे तो एफोर्डेबिलिटी और एक्सेस भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सेक्टर का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पिलर है मिशन मोड इंटरवेंशन। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनके लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत होती है और तभी उन चैलेंजेस से निपटने में मदद है और उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। देश में माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, वो बीमारियों से मुक्त रहे, स्वस्थ और सशक्त रहे, इसके लिए हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसके साथ जोड़ा, एक्टिवेट किया। इसके तहत आज कई कार्यक्रम हमने इनिशिएट किए हैं, आगे बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मां और शिशु का उचित पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत भी की गई है। देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में यह सबसे नया और बड़ा कदम है। जब बच्चों और माताओं को सही पोषण मिलेगा तो उनका बेहतर स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा।